ये जादूगर है जिसका नाम हेक्टर है और इस समय उसकी किस्मत खराब है क्योंकि कोई उसके घिसे पीटे जादू को पसंद नहीं कर रहा था। उसे कुछ अलग करना था जिसके लिए वो एक पालतू जानवर की दुकान में आकर अच्छा जानवर मांगता है। तभी उसे गाने की आवाज आती है और आवाज का पीछा करने पर वो एक पिंजरे तक पहुंचता है जिसके अंदर एक छोटा मगरमच्छ गाना गा रहा था। जादूगर उसे अपने साथ ले आता है जिसका नाम उसने लाइल रखा था। हंटर उसे अपने साथ गाना गाना सिखाता और डांस जो मुझे नहीं आता वो भी सिखाता। मगरमच्छ अब अच्छा गायक बन चुका था और जादूगर उसके भरोसे अपने सारे पैसे एक शो में लगा देता है। शो चालू होता है लेकिन इतनी भीड़ के सामने मगरमच्छ गाना नहीं गा पाता। शो बंद हो जाता है और जादूगर के पास उसे और मगरमच्छ को पालने के लिए पैसे नहीं बचते। इसी कारण वह मगरमच्छ को झूठ बोलकर जाता है कि मैं बस कुछ देर में आ जाऊंगा और मगरमच्छ उस घर में अकेला रह गया। कुछ दिन बाद एक फैमिली वहां आती है जिसमें एक लड़का भी था। लड़का घर के ऊपर कमरे में जाता है तो उसे मगरमच्छ दिखता है। लड़का उसे पुतला समझकर वहां से चला जाता है। कमेंट में बताओ मूवी देखी या नहीं।